شيء سواه يعذب هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعذبنا كتاب الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मुरक्कबे जारी शुरू किया था और उसमें हरूफ़े जारा पढ़ा था और हरूफ़े जारा की तादाद कितनी थी, 17 थी। और उनमें से हमने बताया था जो क़ुरान में यूज़ होते हैं वो 11 हरूफ़े जारा है। और वो हरूफ़े जारा जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, एक पोयम के फॉर्म में बनी थी, बाओ ताओ काफो लामो वावो मुंदु मुदखला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। तो उन सब के हम लोगों ने मीनिंग्स भी देखे थे। आज हम लोग इंशाल्लाह उसमें से जो 11 हरूफ़ जारा हैं जो क़ुरान में इस्तेमाल होते हैं उनकी मिसालें क़ुरान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हरफ़ जरा है हमारे पास बा। अच्छा, एक तो हर्फ बा हम लोगों ने पढ़ा था हरूफ़ुल हिजा में, ठीक है, और एक यहाँ पढ़ रहे हैं बा। तो जो हरूफ़ुल हिजा था और अब ये है हरफ़े जर, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से हरफ़े जर पर कौन सी हरकत आती है। तो इस पर हरकत आएगी ज़ेर। अब लेकिन ज़ेर आई तब भी हम इसको हरफ़े जर बा ही कहेंगे। इसका मीनिंग हम लोगों ने देखा था क्या था, विद या के साथ। इसका मीनिंग आता है के साथ के लिए, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं विद। अब जैसे अगर हम कहना चाह रहे हैं हक के साथ, हक के साथ, अगर इसको लिख दें अल हक और हरफ जर शुरू में हरफ जर बा लगा दिया, अभी हमजतुल वसल क्या बन जाएगा, बिल हक की इसको हालत जर में ले जाएगा। हरफ जर का काम क्या था कि अपने अगले आने वाले इस्म को हालत जर में ले जा रहा था, तो ये मजरूर बन जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, बिल हक, यानी कि हम इसको तर्जुमा क्या करेंगे, हक के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें नमाज के साथ, अस्सलातु है और हरफ जर बा ज़ेर बी लगा दिया इसमें, तो ये हालत जर में आएगा, बिस सलाती। और इसी तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि नमाज और सब्र के साथ, तो वाव शुरू में आया अस सब्री, अब ये टोटल बा पूरे के साथ था, तो बिल बिस सलाती व सब्री। सूरह बकरा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, बिस्सब्री वस्सलात। हमने यहाँ पर पहले सलात लिख दिया, चलिए उसी तरतीब से चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनु बिस्सब्री बिस्सब्री वस्सलात। तो ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के साथ
मदद तलब करो। मदद किससे मांगनी? अल्लाह से। जरिया क्या है? सब्र और सलात, सब्र और नमाज। तो ये चीज़ क्लियर है, क्या है? बिस सब्री व सलात। बी जब आया तो बी का तर्जुमा क्या हो गया? के साथ। इसी तरह से एक मुरक्कब इजाफी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि हाथी वाले, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था? अस हा बुल फीली, अस्हाबुल फीली, ठीक है ना। इसमें मुजाफ क्या था? मुजाफ अस्हाब था और अलफीली मुजाफ इले था। तो अब हम लोगों ने ये बात पता था, एराब जब भी बदलेगा तो मुजाफ का बदलेगा, क्योंकि मुजाफ इले तो हमेशा हालत जर में ही आना है। इससे पहले अगर अब हम हरफ जर वा ले आ रहे, तो अब ये क्या करेगा? मुजाफ को हालत जर दे देगा, तो क्या बन जाएगा? बी अस्हाबिल फील। सूरे फील जब हम पढ़ते हैं, अलम तरो कैफा फाला रब्बुका, अच्छा ये भी आपके समझ में आ रहा होगा, रब्बुका ये भी आपका मुरक्कब पढ़ा हुआ है, रब्बुका तेरा रब या तुम्हारा रब। अलम तरो कैफा फाला रब्बुका, तेरे रब ने क्या किया? बी अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। ये हो गया हाथी वालों, और ये हरफ जर शुरू में लग गया के साथ, तो ये बी अस्हाबिल फील। अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी, इससे पहले वाले में जब हम लोगों ने मुरक्कब इजाफी पढ़ा था तो हमने कहा था किसी वजह से ये हालत जर में आ गया। अब वो वजह क्या थी? वो हरफ जर शुरू में लगा था, इस वजह से ये बन गया बी अस्हाबिल फील। कोई भी इस्म, ये बात शुरू में बताई जा चुकी है कि मैक्सिमम दो रीज़न होते हैं इस्म के हालत जर में आने के, बल्कि टोटल रीज़न, मैक्सिमम भी ना बोलें बल्कि कुल के कुल जो वजह होती है हालत जर में आने की किसी भी अस्मा के, वो दो होती हैं। एक तो जब वो मुजाफ इलैह बन करके आ रहा होगा, और दूसरी वजह क्या है? जब उससे पहले हरफ जर लगा होगा। तो आपको आज हरफ जर में या मजरूर इस्म किन किन वजहों से आता है वो आपको पता लग गया। अब इस केस में क्या हो रहा है? दोनों एक साथ आ जा रहा है, अलफीली मुजाफ इलैह की वजह से हालत जर में, अस्हाबी हरफ जर की वजह से हालत जर में। तो बी अस्हाबिल फील, क्लियर है ना ये चीज़? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, कोई भी इस्म दो वजहों से हालत जर में आता है। दो वजह होती हैं, या तो वो मुजाफ इलैह बन करके आ रहा होगा, मुजाफ इलैह का काम क्या है? हालत जर में आना, या उस इस्म से पहले हरफ जर लग करके आ रहा होगा। और जो जार और मजरूर ये मिल करके जो मुरक्कब बनाते हैं उनको कहते हैं मुरक्कब जारी। तो तीन मुरक्कबे हम लोगों ने अभी तक तीन मुरक्कब पढ़ लिए, एक हम लोगों ने मुरक्कब इजाफी पढ़ा है, मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है, और ये मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी किसको कह रहे हैं? जिसके अंदर हरफ जर आ रहा है, ऐसा मुरक्कब जिसमें हरफ जर का इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर हरफ जर और मजरूर मिल करके मुरक्कब जारी बनता है। तो आज ये तीसरा मुरक्कब हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मुरक्कब जारी। इसी तरह से अगर हम कहें कलम के साथ, अल कलमु, अब इससे पहले हरफ़ जर बी लगा दिया तो ये क्या कर देगा? अल कलमु को हालत जर में ले जाएगा, बिल कलमी। सूरह इकरा 96 नंबर की जो सूरह, उसमें क्या पढ़ते? अल्लमा बिल कलम, कि सिखाया किसके ज़रिए? बिल कलम, कलम के साथ या कलम के ज़रिए। तो हरफ जर बी हो गया। अब हरफ जर अगला देखते हैं, वो है जो क़ुरान में इस्तेमाल हुआ है ता, इस पर फतहा आता है, ज़बर आता है। और इसका एक बार हम इससे पहले के लेक्चर में इसका इस्तेमाल बता चुके हैं, ये कसमिया होता है, कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कसम के लिए। और इसकी खसूसियत क्या है? कि सिर्फ़ अल्लाह की कसम के लिए, और क़ुरान में सिर्फ़ अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके कई जगह पर मिसाल मिलती है, सूरह अंबिया में कल हम लोगों ने देखी थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तल्लाई लाकी दन्ना, कि मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की कसम लाकी दन्ना, कि मैं ज़रूर भी ज़रूर कि तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा, लाकी दन्ना भी असनामिकुम, कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ, अब भी असनामिकुम, ये भी असनाम कहते हैं बुतों को, बुत उसका वाहिद है और जमा क्या है? असनाम, तुम्हारे बुत असनामुकुम, और हल्फ़ जर पहले रख गया बी, तो बी असनामिकुम हो गया।
ठीक है, तो ता वहां पर जैसे ही आएगा तल्लाही, तल्लाही अल्लाह की कसम। इसी तरह सूरह यूसुफ में भी ये वर्ड मिलता है तल्लाही, तो वो अच्छा एग्जाम्पल इसमें मिल गया। हम लोगों का हरफ़ जर बी भी उसके अंदर आ गया कि तुम्हारे बुत अगर हम कह रहे हैं असनाम कुम, असना मुकुम। अब इससे पहले हरफ़ जर बा लगा दिया बी असनामी, बी असनामिकुम कि तल्लाही अल्लाह की कसम लाकी दुन्ना कि मैं कसम बिज़रूर बी असनामिकुम तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा। तीसरा हरफ़ जर देखते हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, वो है वाव, वाह, और ये फतहा वाला आता है ज़बर वाला, ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फ़र्क पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है कि ता और वाह में फ़र्क क्या है, कि ये आम है, ये अल्लाह की कसम के लिए भी आएगा, जैसे वल्लाह, वल्लाही, वल्लाही, जैसे आम बोलचाल में हम लोग सुनते भी रहते वल्लाह मैं वहाँ गया था, अक्सर जो है जो हमको अरब मिलेगा वो वल्लाह बहुत उसकी ज़बान पर रहता है, तो ये क्या अल्लाह की कसम वल्लाही। और कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल, जैसे सूरह असर वल असर ज़माने की कसम, व शम्स सूरत की कसम, व तीन तीन की कसम। तो वाव कसमिया ये अल्लाह के साथ भी इस्तेमाल होता है और अल्लाह के अलावा भी इस्तेमाल होता है, ये कसम आम के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से वल क़ुरआनिल हकीम, यासीन के यहाँ शुरुआत होती है यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। अब कुरआनिल हकीम हम लोगों ने मुरक्कब तौसीफ़ी में किया था कि हिकमत वाला कुरान, तो उसकी अरबी क्या बनी थी अल क़ुरआनुल, अल क़ुरआनुल हकीमु। तो वहाँ पर ये बोला गया था कि अगर किसी वजह से मौसूफ़ हालत जर में आ जाए तो सिफत भी किधर चली जाएगी, हालत जर में आ जाएगी। अब वो वजह क्या है, वाव कसमिया यासीन वल क़ुरआनिल हकीमी। अब हकीम क्यों जर में आया, क्योंकि ये सिफत है कुरान की, क्योंकि उसका मौसूफ़ सिफत में आ रहा है, मौसूफ़ जैसा चलेगा वैसे उसकी सिफत चलेगी। अब मौसूफ़ असल वजह है क्यों सिफत में है वो जानना, उससे पहले हरफ जर वाव लगा, वाव कसमिया, इस वजह से ये हालत जर में आ गया, तो ये क्या हो गया वल क़ुरआनिल हकीम। क्लियर है ना ये चीज़। अच्छा वाव का एक मीनिंग और भी होता है, हम लोग यूज़ कर चुके हैं और के माने में, एंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था हामिदुन व जईदुन, तो फ़र्क हम कैसे पहचानेंगे, फ़र्क क्या होगा कि जो वाव कसमिया होगा ये हरफ जर है ये हालत जर में लाएगा, लेकिन जो वाव और वाला होगा एंड वाला वाव होगा वो हालत जर में नहीं लाएगा। जैसे हामिदुन व जईदुन, ऐसा नहीं हुआ कि हामिदुन व जईदिन, वाव के बाद जो इस्म आया वो हालत रफ़ा में ही रहा, हामिदुन वाव व जईदुन। तो इस वाव को वाव कसमिया कहते हैं, और जो और एंड वाला होता वाव आतिफा कहते हैं। तो वाव आतिफा किसी भी तरह की एराबी तब्दीली इस्म पर नहीं लाता है, वाव कसमिया एराबी तब्दीली लाता है, अपने इस्म को जर दे देता है, ये दोनों में फ़र्क है। इसको कहते हैं वाव कसमिया, और जो और या एंड वाला वाव होता है वो वाव आतिफा होता है। वाव आतिफा किसी किस्म की एराबी तब्दीली नहीं लाता है, और ये वाव कसमिया एराबी तब्दीली लाता है, इस्म को हालत जर में लेके चला जाता है। क्लियर है। अब आते हैं चौथे हरफ जर की तरफ, का, इस पे ज़बर आता है, ये भी कल बात हुई थी, क्या है ये हरूफ तशबी कहते हैं, तशबी देने के लिए। जैसे हम कहें के जैसा, की मानिन, की तरह, ये सारे इसके तर्जुमे बन सकते हैं, की तरह के जैसा, इंग्लिश में जिसके हम लोग लाइक कह रहे थे, लाइक या एज, जैसे हम कहें कि जैद शेर की तरह, शेर की जितना बहादुर है, तो हम क्या कहेंगे जईदुन कल असदी, शेर को कहते हैं असद,
बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हर्फ जर, जो भी हर्फ जर आएगा वो अपने इस्म को क्या करेगा, कल असदी, वो हालत जर में ले जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे हम कहें कि चांद के जैसा, तो अब हम क्या कहेंगे, कल कमरी, कल, जैसे पहले अल कमरी, अल कमरू था, इससे पहले हर्फ जर काफ लेकर के आए, ठीक है, बल्कि इसको वैसे लिख ले अगर, तो ये क्या बन जाएगा, कल कमरी, कल कमरी, कल असदी, कल कमरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, चांद की तरह या चांद जैसा, किसी के चेहरे की अगर हम तशबीह देना चाहते हैं कि उसका चेहरा चांद की तरह है, तो हम कह देंगे कल कमरी। अब इसको चाहे वैसे इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे करके कल असदी, शेर की तरह। कुरान की एक आयत सूरह आराफ, सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 179, उस पर गौर करते, उसमें हमें हुरूफ तशबीह काफ मिलेगा। वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नी वल इंसी लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام। أنعام कहते हैं जानवरों को। अब ये वर्ड है हमारे पास अल अनआमु। अब इससे पहले हर्फ जर लेकर क्या है, काफ, तो ये क्या हो गया, कल अन आमी। तो वहाँ कुरान में आयत क्या है, उलाइका कल अन आम। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने क्या फरमाया, वलकद ज़रअना लिजहन्नम, कि हमने यकीनन या बितहकीक, वलकद ज़रअना बनाए हमने, लिजहन्नम जहन्नम के लिए, कसीर, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नी वल इंस, जिन्नातों और इंसानों में से बहुतों को जहन्नम के लिए ही बनाया। अब उनकी मिस्टेक क्या बताई कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नी वल इंस लहुम कुलूबुल, उनके दिल हैं लेकिन ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन उनके दिलों से वो कुछ समझते नहीं हैं। ला लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, उनकी आँखें भी हैं लेकिन वो उन आँखों से देखते नहीं हैं। क्या नहीं देखते, क्या नहीं समझते, हक़ को नहीं समझते, हक़ को नहीं देखते। वलहुम आज़ान, उनके कान हैं लेकिन वो उससे, ला यस्मऊना बिहा, लेकिन वो उससे सुनते नहीं है। उलाइका, ये लोग कैसे हैं, कल अनाम, कल अनाम, ये लोग जानवरों की तरह हैं, अपनी ज़िंदगी जानवरों की तरह बिता। फिर आगे और सख्त अल्फाज, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह। क्योंकि जानवर कम से कम जिसके पास उसका जो मालिक होता है, उसका जो रब होता है, जिसके साथ वो रह रहा होता है, उसकी तो सुनता है, उसको पता है कि हाँ ये मेरा फ़ायदे की बात करेगा, मुझे खाना देगा वक्त पर, उसको जैसा वो ऑर्डर करेगा उसका वो जानवर वैसे फॉलो करेगा। लेकिन इंसान की हालत क्या है कि अपने रब, अपने खालिक को, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि बल हुम अज़ल, बल्कि वो उससे भी ज़्यादा गुमराह है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और वही लोग हैं जो गफलत में। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 179, तो इसमें वर्ड मिला हुरूफ़ तशबीह काफ, कल अन आम। तो अब ध्यान हमें रखना है कि हुरूफ़ जारा के बाद जो भी इस्म आ रहा है वो हालत जर में जा रहा है। यहाँ काफ नहीं होता तो अल अन आमु होता, हालत जर में जाने की वजह आपको पता लगी हुरूफ तशबीह का। पांचवा, लाम, इस पर जबर आता है आम तौर से, बल्कि जेर आता है, माजरत, इस पर जेर आता है ज्यादातर, कुछ जगह पर जबर आएगा, वो कहाँ आएगा वो भी इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन जनरल इसका रूल क्या है कि इस पर ज़ेर आता है। इसका मीनिंग होता है के लिए, जैसे अगर हम कहें जैद के लिए,
अगर हमने कहा जैद के लिए, ज़ैदुन हो गया, अब इससे पहले हरफ़ जर लाम ज़ेर ली आ गया तो ये क्या कर देगा, हालत जर में ले जाएगा, ली ज़ैदिन। इसी तरह से अगर हम कहें हामिद के लिए, ली हामिदिन। जैसे हम कहें ये कलम ज़ैद के लिए, अल कलमु ली ज़ैदिन। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसी तरह से अभी हमने जो आयत पढ़ी थी, वलक दराना ली जहन्नमा, अब जहन्नमु गैर मुनसरिफ असमा है, जहन नमु, ये हालत रफ़ा होगा इसकी। गैर मुनसरिफ इसमें तीन अराबी हालतों में दो शक्लें इख्तियार करता है। उससे पहले हरफ जर लाम ज़ेर ली लेकर के आए, ली जहन, अब ये हालत जर कहाँ होगी, ये जर में जाएगा और गैर मुनसरिफ इसमें जर में ज़ेर कबूल नहीं करता। तो इसीलिए क्या हुआ, वला का दराना ली जहन्नमा, कि बेतहकीक हमने बनाए जहन्नम के लिए, कसीरम बहुत सारे, मिनल जिन, अगले मिन भी आ रहा है इसमें, जिन्नों में से, वल इंस और इंसानों में से। फिर आगे उनकी स्पेशलिटी, उनकी खसूसियत बताई कि लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हू नबिया, कि उनके दिल है, लहुम कुलूबुन उनके दिल है, ला यफ़क़हू ना, दिल तो है लेकिन वो उससे समझते नहीं हक बात को। तो ली जहन्नमा ली ज़ैदिन, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम कहें कलम के लिए, ली कलमिन कलम के लिए, अब अगर मुअर्रफ़ बिल लाम अस्मा आ जाए, अभी तक तो क्या था, ये नकरा थे। अगर हम मारफा इस्म से पहले लाम ज़ेर ली लेकर क्या है, तब क्या चेंज आएगा, इसको देखते हैं। जैसे हम कहें काफिरों के लिए, अल का फिरूना, अल का फिरूना। अब इससे पहले हम अगर हरफ जर लाम को लेकर के आ रहे हैं, तो जब भी ये मुअर्रफ़ बिल्लाम के पहले आता है तो ये क्या करेगा, पढ़ेंगे हम क्या, लिल का फिरीना कर देगा, ये हालत जर, हालत जर ऊना साउंड ईना में बदल जाएगा, लिल का फिरीना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होगी कि हमज़तुल वसल लिखने से भी चला जाएगा, लिल का फिरीना। अभी तक क्या देख रहे थे कि हमज़तुल वसल जो था वो लिखने में बाकी रह रहा था लेकिन पढ़ने में नहीं आता था, लेकिन जब लामे जारा लगेगा, इसको लामे जारा भी कहते हैं, जब लामे जारा लगेगा तो हमज़तुल वसल लिखने से भी चला जाएगा। तो पढ़ गया, लिखने में क्या आ रहा, लिल काफिरीना। जैसे हम कहें कि काफिरों के लिए अदाब है, तो क्या कहेंगे, लिल काफिरीना अदाबुन, और दर्दनाक अदाब है, अदाबुन अलीमुन। इसी तरह से अगर हम कहें कि मुत्तकियों के लिए, अल मुत्तकून, अल मुत्तकूना, इससे पहले लामे जारा ले आए, अब ये मुअर्रफ़ बिल्लाम है तो हमज़तुल वसल लिखने से भी चला जाएगा, लिल मुत्तकीना, ईना साउंड में बदल जाएगा। सूरह बकरा के अल्फाज क्या शुरू होते, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो बस ये ध्यान रखना, जब मुअर्रफ़ बिल्लाम से पहले लाम ज़ेर ली आएगा यानी कि हुरूफ़े जारा, तो ये क्या कर देगा, इसमें हमज़तुल वसल लिखने से भी चला जाएगा। कई कई मरतबा ये मिल्कियत का भी माना देता है। अभी इसका नाम क्या है, लामे जारा के लिए तर्जुमा कर रहे हैं, जब ये मिल्कियत के लिए माना देगा तो हो जाएगा का। जैसे अगर हम यहाँ ली ज़ैदिन, दोनों माने हो सकते हैं, ज़ैद का, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि ये घर ज़ैद का है तो क्या कहेंगे, अलबैतु ली ज़ैदिन, ज़ैद का घर है। या अगर ज़ैद के लिए भी कह सकते हैं तो इसके दोनों माने होंगे, वो हमको मफहूम बताएगा कि पूरा सेंटेंस, पूरी इबारत हमको बता देगा कि यहाँ पर मिल्कियत वाला तर्जुमा करना है या के लिए वाला तर्जुमा करना। जैसे कुरान में आता है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़, कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है वो
लिल्लाही, अल्लाह का है। तो वहाँ पर जो तर्जुमा मिल रहा है हमें मिल्कियत वाला तर्जुमा मिल रहा है। और इसी तरह सूरह फातिहा की जब हम शुरुआत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, यहाँ पर के लिए तर्जुमा हो गया। तो हमको इबारत बता देगी कहाँ पर के लिए तर्जुमा है और कहाँ पर मिल्कियत वाला का तर्जुमा करना है। तो ये दोनों माने देता है, के लिए भी और मिल्कियत वाला मीनिंग भी देता है। लिल्लाही माफ़ी समावाती व माफ़ी अर्ज़ में क्या हो गया कि अल्लाह का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में या ज़मीनों में, आसमानों और ज़मीन में। और जब अल्हम्दुलिल्लाही पढ़ रहे हैं तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। छठा फ़ी। अच्छा, यहाँ पाँच तक हम लोगों ने अभी तक जितने भी हुरूफ़े जारा पढ़े वो एक एक वर्ड के थे, अब यहाँ से दो वर्ड के शुरू हो गए। फ़ी, फ़ी का मतलब होता है मे। ये हुरूफ़े जारा ऐसे, हम कुरान का कोई भी सफ़ा खोलेंगे हमें हुरूफ़े जारा ज़रूर मिलेंगे। फ़ी मे का मतलब है कि मे। अब जैसे फ़ी का कोई मिसाल, कद्र की रात अगर हम कह रहे हैं, कद्र की रात, ये एक मुरक्कब इजाफ़ी है। कद्र की रात कैसे बनेगा? लैलतुल कद्री, लैलतुल कद्री। और अगर इससे पहले फ़ी आ गया, हर्फ़ जर फ़ी आया, तो हर्फ़ जर क्या करेगा? फ़ी अपने इस्म को और इसमें मुजाफ़ को हालत जर में ले जाएगा। फ़ी लैलतुल कद्र, सूरह कद्र जो है इन्ना अंजलनाहु फ़ी लैलतुल कद्र, कद्र की रात में, कि हमने इसको नाजिल किया कद्र की रात में। इसी तरह से हम लोग बोलते हैं अल्लाह की अमान, अल्लाह की अमान, तो क्या कहेंगे? अमानुल्लाह। लेकिन जब फ़ी लगा दिया कि अल्लाह की अमान में, तो क्या कहते हैं? फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाही। और वक्फ़ करते हैं तो क्या कहते थे? फ़ी अमानिल्लाह, कि अल्लाह की अमान में तुम रहो, मतलब हमारा यही होता है फ़ी अमानिल्लाह। इसी तरह से फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में, अल्लाह की राह सबीलुल्लाह ही बना, अल्लाह की राह सबीलुल्लाह ही। और इससे पहले हर्फ़ जर फ़ी लगा दिया तो फ़ी का काम क्या होगा? फ़ी इसको जर दे देगा, फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह। क्लियर है ना ये? अब चलते हैं आगे सात नंबर। अच्छा, सात और आठ को एक साथ लिख दे रहे हैं, लगभग दोनों का माना सेम है। एक है अन, एक है मिन। माना इसका से करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं जा करके सिर्फ माने के अतबार से देख रहे हैं। अन और मिन दोनों का माना क्या है? से के साथ ही किया जाता है। मिन जनरली होता है, यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ की इब्तिदा कर रहे होते हैं। जैसे हम कहें कि घर से, तो मिनल बैती, ठीक है ना। और अन ज़्यादातर इस्तेमाल में कहा, जैसे हदीस में दिखता है अन आयशता रज़ी अल्लाह अनहा, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अनहु, इसी तरह से अन अनसिन रज़ी अल्लाह अनहु। तो अन ने क्या किया कि हालत जर में ले गया। जैसे कुरान की एक आयत है कि अल्लाह की याद, अल्लाह की याद, तो उसको क्या बनेगा? ज़िक्रुल्लाही, अल्लाह की याद। अब इससे पहले अन लग गया, अन क्या करेगा? मुजाफ को हालत जर दे देगा। अन ज़िक्रिल्लाही। सूरे मुनाफिकून की जो आयत है या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुलहिकुम अमवालकुम वला औलादकुम, ला तुलहिकुम अमवालकुम व औलादकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुमको गाफिल ना कर दे तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद किससे? ज़िक्रिल्लाह से, अल्लाह के ज़िक्र से। अन ज़िक्रिल्लाह, क्लियर है ना ये? इसी तरह से जो नमाज के बारे में आता है कि नमाज क्या करती है? बेहयाई से रोकती है, तो क्या हो जाएगा? बेहयाई को कहेंगे फहशा, अल फहशाउ, अल फहशाउ। अब इससे पहले अगर अन लग गया, अन, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पर, अब ये तो हमज़तुल वसल है, ये हट गया, दो
साकिन जमा हो गए, तो जब भी दो साकिन आएंगे तो उनका जो कायदा है वो ये क्या है कि पहले वाले साकिन को ज़ेर दे करके मिलाना रहता है, तो इसको ज़ेर दे दिया जाएगा। अनिल फहशाई, अनिल फहशाई, जब भी दो साकिन जमा होंगे ये कायदा है कि पहले वाले से, इसको बोलते हैं इज्तिमाए साकिनैन, दो साकिनों को जमा करने का कायदा, तो पहले वाले साकिन को ज़ेर दे करके बाद वाले से मिलाया जाता है। ये अन था असल में, लेकिन दो साकिन के जमा होने की वजह से अनिल फहशाई। ठीक, अगला है मिन, मिन का मतलब से, इब्तिदा के लिए जैसे हम कह रहे हैं कि मिन मक्कता, मक्का से, वर्ड था हमारा मक्कतु। अब ये गैर मुनसरिफ असमा है, इससे पहले मिन दाखिल किया, अब गैर मुनसरिफ असमा हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करेगा, तो बन जाएगा मिन मक्कता। अब अगर इदगाम का कायदा लगेगा तो यर मलून वाला कायदा मिम मक्कता, यहाँ पर आपको तजदीद दिखाई देगी, मिम मक्कता हो जाएगा, लेकिन लिखने में हम क्या लिख रहे हैं, मिन मक्कता। ठीक है ना, तो मिन मक्कता। इसी तरह से अगर हम कहें मदीने से, अल मदी, अल मदी नती हो गया ये। अब यहाँ पर भी इज्तिमाए साकिनैन वाला कायदा आ गया, लेकिन मिन के साथ एक एक्सेप्शन है कि मिन जब अपने बाद वाले साकिन हर्फ से मिलता है तो ज़ेर के साथ नहीं बल्कि ज़बर के साथ मिलता, तो यहाँ पर मिनल मदीनती। अच्छा, इसमें कोई ये एक्सेप्शन में कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, ये ज़बान पे हमारे चढ़ा हुआ है, मिनल्लाही मिनल मदी। अब अगर मिनिल कोई बोलेगा तो खुद ब खुद हमको लगेगा कि कुछ अटपटा, अगर हम कहें मिनिल मदीनती या मिनल्लाही तो हम कहेंगे ये कभी सुना नहीं, अपने आप से हमें बगैर कवायद पता ये बात पता है कि अटपटा लगेगा, तो ये एक्सेप्शन हम बहुत आसानी से इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, मिनल मदीनती। ये सिर्फ मिनल के, मिन के साथ में ख़ास है कि मिन का जो नून साकिन है वो अपने माँ बाद वाले से मिलते वक्त ज़ेर नहीं लेता है बल्कि ज़बर के साथ मिलता है। ठीक है, अब जैसे सूरह बनी इसराइल की शुरुआत कहाँ से होती है, मिनल मस्जिदिल हरामी, कि अल्लाह अपने बंदे को कहाँ से ले गया, मिनल मस्जिदिल हरामी। तो मिन की ज़्यादातर शुरुआत इब्तिदा के लिए होती है, जहाँ से काम शुरू हो रहा होता है, जहाँ से जो चीज़ जा रही होती है। तो अब क्या कहेंगे, मिनल मस्जिदिल हराम। ध्यान आपको ये रखना है कि हरफ जर के बाद जो इस्म आए वो हालत जर में आ रहा है। अगला नाइन नंबर, इला, इला तक, या ये कह लें इंतहा तक, जिसको कहते हैं तक, तक यानी कि टूअर्ड्स टू, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टूअर्ड्स टू। जैसे हमें कहना होगा मिनल बैती इलल मस्जिदी, मिनल बैती इनल इलल मस्जिदी, घर से मस्जिद तक। ये कह लें कि इला जो है इंतहा के लिए, मिन इब्तिदा के लिए, और उसकी इंतहा इला पर जा कर के ख़त्म होती है। जैसे इसको लिख दें कि इला अल मस्जिदी, उसका इला जब आएगा, अभी जितने भी खड़ी ज़ेर या खड़ा ज़बर होता है वो जब अपने माँ बाप से मिलता है तो वो नॉर्मल हो जाता है, इलल मस्जिदी हो गया, इलल मस्जिदी। इसी तरह जैसे सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर एक में क्या कहा गया, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो इला का मतलब क्या हो गया, तक या टूवर्ड्स या टू कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा दस नंबर, अला, अला का मतलब है पर, पर इंग्लिश में ऑन कह लें या अपॉन कह लें, पर जैसे इसकी मिसाल है अर्श पर, अलल अर्शी, जैसे अगर हम कह रहे हैं अर्श, अल अर्शु, अल अर्शु है हमारा नॉर्मल। ठीक है, अब इससे पहले हमने अला लगा दिया,
तो वही वाली बात की जो खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर होगी जब अपने माँ बाप से मिलेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अलल और शी तरह सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 7 के साथ क्या है, काना और शुहू अलल माई। काना भी आपने पढ़ा नहीं, फेले नाकिस है, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो आगे सीखेंगे। काना का मतलब होता है था, काना अर्शहू उसका अर्श था, अलल माई पानी पर, अलल माई काना अर्शहू अलल माई कि उसका अर्श पानी पर था। इसी तरह सूरह बकरा की जो आयत है ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम उनके दिल, ये मुरक्कब इजाफी क्या बनना था, कुलूबुहुम अला लगा तो कुलूबू को क्या कर दिया कुलूबी, और हुम हुमा और हुन्ना के बारे में पता है जब उससे पहले ज़ेर आता है तो वो हिम हिमा हिन्ना हो जाते, अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, ठीक है ना। तो ये कुलूबुहुम कुलूबुहुम उनके दिल, कुलूबुहुम अब इससे पहले अगर अला लगा दे रहे हैं अला कुलूबी कर देगा इसको, अब ये ज़ेर की वजह से हुम भी हिम लिखा जाएगा, अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम। आखिर 11 नंबर का वो है हत्ता, इसका मतलब होगा तक यानी कि अनटिल जिसको कह सकते हैं या टिल जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में। इसकी मिसाल जैसे सूरह क़द्र सूरह नंबर 97 है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر यानी कि फ़जर के तुलू होने तक, फ़जर के तुलू होने तक। तो ये पहले तो मुरक्कब इजाफी बना مطلع الفجر, लेकिन इससे पहले हरफ जर हत्ता आया, हत्ता हत्ता ने क्या किया मतलऊ को यानी कि मुजाफ को हालत जर दे दी, हत्ता मतलअल फजर सलामुन या हत्ता मतलअल फजर यानी कि सलामती कब तक, फजर के तुलू होने तक। तो ये तो मुरक्कब जारी वो थे जो कुरान में इस्तेमाल हुए थे, इंशाल्लाह अब आगे के लेक्चर में मुरक्कब जारी का इस्तेमाल हम लोग जुमलों में देखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।